ना हीरे ना मोती ना जवाहरात चाहिए, गणेश जी मेरी झोली भर दीजिए, बस मुझे ये चाहिए। इसी आस्था को लेकर आज हम मेरठ शहर में मौजूद है, सराफा बाजार में मौजूद है, जहाँ पर आपको बता दे कि 9 दिन के लिए बापा विराजमान होते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर मराठा फैमिली है जिन्होंने ये परंपरा यहाँ पर चलाई है। चलिए इनसे बात करते हैं, कब से यहाँ पर ये कर रहे हैं, कितने सालों से, और क्या क्या इनका और बातें हैं। जी सर नमस्कार। नमस्ते जी, स्वागत है। लगभग 50-55 साल हो गए हमारा मराठा परिवार नीलगली सराफा बाजार कागदी बाजार यहाँ पर व्यापार करते हैं। तो इस बार का हमारा गणेश उत्सव है, इस गणेश उत्सव को पूरे आज 23 साल पूरे हो गए, 23 साल पूरे हो गए। और लगभग हमारे यहाँ पर तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी चल रही है। सभी अपने सोने चांदी से जुड़े हुए हैं, सभी व्यापारी जितने भी मराठा भाई है सभी सोने चांदी व्यापार से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पहली बार कब आपने यहाँ पर स्थापना की थी? सर 2000 में हमारी पहली बार स्थापना हुई थी। स्थापना में स्वर्गीय विजय पाटिल और सज्जन जाधव, ये दो लोग हमारे जो वरिष्ठ थे, उन्होंने इस स्थापना को शुरुआत करा था 2000 में, सन 2000। आज 2023 चला, 23 साल कम्प्लीट हो गया। जैसे कि आज गणेश विसर्जन है, तो उसको लेकर आप क्या क्या तैयारी हुई है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ होगा? गणेश उत्सव आज विसर्जन के मौके पर महाराष्ट्र से 3 बैंड आए हुए हैं, जिसको झानपतक ग्रुप बोलते हैं, ढोल ताशा पतक बोलते हैं, और एक बैंजो ग्रुप और एक हल्गी ग्रुप बोलते हैं। हल्गी मतलब उसका मराठी में नाम है हल्गी, यहाँ लगभग उसे नपीरी बोलते हैं। तो सारा जो बजाने वाला सिस्टम है वो महाराष्ट्र से आया हुआ है। साथ में आप देख सकते हैं ये पगड़ी, ये भी महाराष्ट्र से आए हुए कोल्हापुर, इसको महाराष्ट्र में मान सम्मान के लिए, मान सम्मान का एक प्रतीक माना जाता है। जो पगड़ी वाले भी कोल्हापुर से आए हुए, कोल्हापुर से आए, कोल्हापुर से जी। अच्छा, जैसे कि भाई पहले देखा जाता था कि गणेश जी इतने मतलब यहाँ पर नहीं रखे जाते थे, से भी नहीं लाते थे बापा को घर पे, एक अलग प्रश्न देखने को मिल रहा है। अब हर घर में बापा आ रहे हैं, उस पर क्या कहना? हर घर में इसलिए आ रहे हैं ना, देखो सबके एक आस्था है और सबसे पूजनीय है, तो आस्था के वजह से सबसे पहले गणेश जी का मान है। इसलिए हर घर में बड़े जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, हर साल चल रही है। पहले एक छोटा सा एक वो था, आज उसका बड़ा एक रूप ले चुका है। बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकलती है, और सबसे बड़ी यात्रा जो निकलती है शेर सराफा बाजार से निकलती है। इसके लिए हमारी लेडीज बिल्कुल सजग के तैयार है, बिल्कुल पगड़ी बांध के तैयार है। उनकी जो साड़ी, नौवारी साड़ी बोलते हैं उसको मराठी में, नौवारी साड़ी बोलते हैं, वो साड़ी भी वहीं से मंगाई गई है, महाराष्ट्र से ही। और हर घर में लगभग 9 दिन मोदक बनते हैं, जो गणेश जी को प्रिय भोग होता है उसको मोदक बोलते हैं। तो मोदक भी हर साल, इस बार भी 9 दिन हर घर में अपने मोदक बना, सबको प्रसाद मिला, भोग लगा के सबको पूरे बाजार में प्रसाद बांटा गया। इसके बाद सातवें दिन है यहाँ पर हमारा महाप्रसाद हुआ, मतलब महाप्रसाद हम मराठी में बोलते हैं, हिंदी में उसको भंडारा बोला जाता है। बड़ा भंडारा हुआ है सर, आप काफी उसमें जो है भक्त आए थे अपना प्रसाद लेकर यहाँ से चले। अच्छा सर, आपकी ओर से सभी मेरठ वासियों को कोई संदेश? देखो मेरा संदेश ये है सभी मेरठ वासियों को कि हर घर में गणपति का स्थापना होनी चाहिए। कोई 5 दिन रखो, कोई 7 दिन रखो, कोई 9 दिन, कोई 11 दिन, अपनी अपनी आस्था है। लेकिन एक हिंदू धर्म में कहते हैं, सनातन धर्म, कि गणेश जी की जो पूजनीय है, गणेश जी पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए हर मतलब हिंदू धर्म के हर लोगों को गणेश जी की सेवा करनी चाहिए, गणेश जी की प्रार्थना करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, बस यही। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया कि 2000 में इसी मूर्ति की स्थापना की थी यहाँ पर गणेश जी की, हर साल यहाँ पर 23 साल बीत चुके हैं।
और आज गणेश विसर्जन है जिसको लेकर उन्होंने पूर्ण तैयारी की है। काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे आप झांकियां भी है मौजूद है, आगे चल के हम आपको वो भी दिखाएंगे। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे जर्मनी न्यूज।